हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप हेडिंग लिख लीजिए और हम समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। हालांकि आप ये टॉपिक पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, बस उसी को ही हमें थोड़ा सा एलैबोरेट करके रिपीट करना है। तो देखिए, यहाँ इसको हम समझने के लिए सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इसी डायग्राम से हम समझेंगे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये एक सेल लगा हुआ है जिसका जो पोटेंशियल है यहाँ पे V है, इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है और एक यहाँ रेजिस्टेंस है R, और इस तरीके से ये सर्किट है। तो देखिए, जब ये करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस से होता हुआ जाएगा तो क्या होगा, ये जो वायर है ये हीट, इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हीट प्रोड्यूस क्यों होगी, क्योंकि जब ये चार्जेस फ्लो होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वायर में, तो क्या होता है कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो हालांकि इसमें उनकी इंडिविजुअल स्पीड्स काफी होती है, वेलोसिटी काफी होती है, लेकिन क्या है, वो बार बार कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज आयन जो इसमें वायर में क्या आयन्स होंगे उस पर जाके कोलाइड करेंगे बार बार, उसके वजह से एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सारे चार्जेस जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसी कोलिजन की वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो स्पीड में होता है, फिर वो टकराता है तो उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और उन सबकी एनर्जी कंबाइन कर देंगे, उससे गर्म हो जाता है वायर। तो जैसे आप कई बार देखते होंगे, आपके यहाँ स्विच बोर्ड लगा होगा, कई बार होता है ना कि फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ने का मतलब क्या है, उसमें एक वायर लगी होती है, फ्यूज वायर कहते हैं। यदि उसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, वो जल जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो आपके घर की लाइट उड़ जाती है। और वो एक तरह का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता था कि आपके घर में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए और एकदम से अगर करंट बढ़ने लगे तो फ्यूज वायर जल के ब्रेक हो जाती है, ताकि आपके जो बाकी अप्लायंस है प्रोटेक्टेड रहे। तो यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीट जो प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, लेट्स से उसको मान लेते हैं एच, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये बताता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जो हीट यहां प्रोड्यूस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो भी करंट यहां फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जिस वायर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इसलिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और थर्ड थिंग इज, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यहाँ टाइम का मतलब क्या, कितनी देर करंट यहाँ फ्लो होगा, जितनी ज्यादा देर यहाँ करंट फ्लो होगा उतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये तीन स्टेटमेंट है और तीन स्टेटमेंट से ये हम तीन इक्वेशन बनाते हैं। और अगर इसको कंबाइन कर दें हम, तो हीट प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो है आई स्क्वायर आर टी, तो इसको हम ऐसे अगर लिखें, मैं लिखूँ आई आर इंटू आई इंटू टी, इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं। और आई आर क्या होता है, बाय ओम्स लॉ, इट इज वी पोटेंशियल, तो इसको हम एक ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सॉरी, एच इज इक्वल टू, ये हो गया वी आई टी। तो ये एक और फॉर्म मिल गया, एक फॉर्म तो हमने ये देख लिया। एक दूसरा फॉर्म है, जब आपको पोटेंशियल के टर्म्स में अगर निकालना होगा, पोटेंशियल दिया होगा तो पोटेंशियल के टर्म्स में हम हीट निकाल सकते हैं। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मैं इसको ऐसे अगर लिखूं, एच इज इक्वल टू वी इंटू, ये आई की जगह हम लिख सकते हैं वी बाय आर, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू वी अपन आर हो सकता है, और इंटू टी कर देंगे तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये तीसरा फॉर्म हो गया। तो देखिए, आपको यहाँ पे तीन फॉर्म दिख रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर की डेफिनेशन लिख लीजिए, पावर का डेफिनेशन हमें पता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो यो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपने 11th में ही पढ़ा होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमें पता है। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्म्स में बात करें, तो इसको एक और तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। इसका डेफिनेशन है, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट
थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन क्या मतलब है, जो ईएमएफ जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है यानी सेल या बैटरी, उसके द्वारा जितना वर्क किया गया फॉर मूविंग द करेंट, फॉर मूविंग द चार्ज पार्टिकल इन द सर्किट, वही उसकी पावर होती है। तो अगर हम पावर का फॉर्मूला लिखें इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्म्स में, इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भी रेजिस्टेंस वायर होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट क्या है, हीट एनर्जी है। तो हमें पता है कि एनर्जी और वर्क दे आर इंटर रिलेटेड, जो भी हम वर्क करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वर्क किसने किया, सेल ने किया। सेल ने क्या वर्क किया, चार्जेस को मूव किया, और वो जो वर्क था वो कन्वर्ट हो गया इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ पे जो पावर जब हम निकालते हैं तो वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे वर्क की जगह आप लिख देते हैं हीट, ठीक है। तो वर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हीट का ही फॉर्मूला हो जाएगा, और हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्या लिखा है, सिंपली आई स्क्वायर आर टी, ये हमें पता है हीट होता है, और दिस विल बी इक्वल टू वर्क, क्योंकि हीट विल बी कन्वर्टेड, वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, टी से, तो ये कट जाएगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक पावर है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिखें आई आर इंटू आई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपली वी आई, तो पोटेंशियल इंटू करंट करेंगे तो ये भी आपको पावर का फॉर्मूला देगा। अब एक और फॉर्म इसका लिख लेते हैं हम, अगर हम आई को रिप्लेस कर दें वी बाय आर से, तो ये क्या बन जाएगा, पावर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो जिस तरह हीट के तीन फॉर्मूले थे, उसी तरह पावर का भी तीन फॉर्मूला है। हीट को आप टाइम से डिवाइड कर दो तो सिंपली पावर का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी देखेंगे। अब नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की देखिए क्या यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है सिंपली वॉट, ठीक है। तो जनरली कई बार आपको वॉट भी मिलेगा, या कई बार जब ज़्यादा पावर होता है तो किलो वॉट, और कई बार मेगा वॉट में भी आपको मिलेगा। तो जैसे आप कभी देखिए आपके घर में जो कोई भी डिवाइस होता है, जैसे बल्ब की हम बात कर लें, ट्यूबलाइट की बात कर लें, तो उसमें वॉट होता है ना, कि जैसे आप दुकान में खरीदने भी जाएंगे तो बोलता है दुकान की कितने वॉट का बल्ब चाहिए। वॉट का मतलब क्या होता है, वो पावर। तो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, पावर कंजम्पशन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग अप्लायंस का कॉम्बिनेशन लेंगे। जैसे यहाँ पे एक सर्किट हमने बना के रखा है, ये तीन डिवाइस है, कोई भी डिवाइस हो सकता है फैन हो सकता है इलेक्ट्रिक प्रेस हो, या हो सकता है कोई और है ना, हीटर हो, तो किसी भी तरह का तीन डिवाइस लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ, और हर एक डिवाइस का एक इसे यहाँ पे पावर रेटिंग दिया हुआ। देखिए पावर रेटिंग, देखिए जब भी आपको दिया होगा तो पावर और वॉट और वोल्टेज दिया रहता है। जैसे बल्ब में क्या रहता है, 15 वॉट टू 20 वोल्ट, तो यहाँ पे पावर P1 वोल्टेज दिया है, V P2 एंड V एंड P3 एंड V, ठीक है। अब देखिए ये जो V है इसके अक्रॉस यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो नहीं है, ये अब बात ध्यान रखना। जब यहाँ पे पावर रेटिंग दिया है तो इसका ये मतलब है जब वी वोल्टेज इस बल्ब या जो भी डिवाइस से लगाएंगे तब इसकी पावर मिलेगी आपको P1। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बल्ब है, ठीक है, तो ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इसकी मान लीजिए पावर है 40 वॉट, ठीक है, और इसमें लिखा है 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये कितना 40 वोल्ट की वॉट की पावर से जलेगा, तो इसमें ये ग्लो आ जाएगा। तो जब हम 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं तो 40 वॉट की पावर से जल रहा है। लेकिन मान लो अगर अब हमने इसकी सप्लाई कम कर दी, अब इसकी सप्लाई कर दी 110 वोल्ट कर दी, जब इसको वोल्टेज हम कम देंगे तो क्या होगा, ये भी कम पावर से जलेगा, फिर ये 20 वॉट की पावर से जलेगा। तो कई बार आप देखते हैं ना कि घर में कभी कभी क्या वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, तो जो ट्यूबलाइट है या आपकी बल्ब है वो डिम हो जाती है। डिम क्यों हो जाती है, तो हम बोलते हैं ना वोल्टेज कम हो गया होगा। वोल्टेज कम करने से क्या होता है, वोल्टेज कम करने से इसकी पावर कम हो जाती है, इसलिए वो लाइट डिम हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो रेटिंग दी है ये इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये नहीं बता रहे, क्योंकि हमें पता है सीरीज में क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। बट यहाँ पे ये जो वी है इसकी
रेटिंग है, ठीक है। तो ये हमको रेटिंग दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे कंबाइन इसका रिलेशन करना है, फॉर्मूला बनाना है कि पावर का क्या रिलेशन होगा। तो हमें पता है हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं पहले वाले डिवाइस का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे वाले डिवाइस का रेजिस्टेंस है R2 और तीसरे वाले डिवाइस का रेजिस्टेंस है R3। अगर हम R1, R2, R3 की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ पावर एंड वोल्टेज, तो हमने अभी पढ़ा है पावर का ये फॉर्मूला होता है, पावर होता है V2/R। तो P1 की अगर हम बात करें तो सिंपली हो जाएगा V2/R1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सभी का वोल्टेज वी भी दिया है, क्योंकि जनरली जो वोल्टेज होता है अब सभी के लिए सेम होता है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है जनरली वो 220 वोल्ट की ही आती है। जैसे आप कभी आपके आप ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास लगा होता है तो उसमें देखते हैं ना 440 वोल्ट और खतरे का निशान रहता है। वो 440 यानी 440 वोल्ट होता है, वो स्टेप्ड वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो 440 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्ट और फिर आपके घर में आती है, समझ रहे हैं। तो हमारे घर में सभी की 220 वोल्ट जनरली होती है। तो जनरली जब आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो वोल्टेज जो दिया रहेगा 220 वोल्ट ही दिया रहेगा नॉर्मली, ठीक है। अब तो ये पावर P1 का ये फॉर्मूला हो गया। अब P2 की हम बात करें, P2 का हम ये निकाल सकते हैं, अच्छा हमें पावर नहीं, यहां से हम अगर R1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 = V2/P1। तो ये R1 की वैल्यू आपकी। इसी तरह हम इसके लिए सेकंड डिवाइस के लिए निकाल सकते हैं, P2 = V2/R2। तो R2 हो जाएगा V2/P2। और फिर हम थर्ड डिवाइस की बात करें तो P3 = V2/R3 और R3 हो जाएगा V2/P3। तो हमको R1, R2 और R3 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए, अब हम क्या करें, अगर ये देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस तरीके का, ये सीरीज कनेक्शन है और हमें पता है सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो देखिए अब हम क्या करें, जिस तरह हम प्रीवियस केसेस में इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, यहाँ पे भी हम इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो देखिए किस तरीके से होगा। तो अब देखिए इसका हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है। अब ये जो तीन डिवाइसेस को एक डिवाइस से हमने रिप्लेस कर दिया है, इसका कुछ पावर होगा उसको हम इक्विवेलेंट पावर बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट पावर ही बोलते हैं, कभी कभी इफेक्टिव पावर भी बोलते हैं, तीनों का क्या इफेक्टिव पावर होगा और साथ में इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें पता है फॉर्मूला, सीरीज के केस में क्या होता है, सिंपली R1 + R2 + R3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखें पावर का फॉर्मूला, R1 का जो है पावर के टर्म्स में ये फॉर्मूला लिख सकते हैं V2/P1 + V2/P2 हो जाएगा और V2/P3 हो जाएगा इसके लिए। अब अगर हम इसके लिए अगर पावर का रेजिस्टेंस का इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ पावर एंड दी वोल्टेज, देखिए इसमें वोल्टेज तो इसमें भी वी ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम R इक्विवेलेंट इस सर्किट से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिंपली V2/P इक्विवेलेंट। अब जो P इक्विवेलेंट इसका आया वो है पावर, टोटल पावर या इफेक्टिव पावर भी कह सकते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर में V2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, सिंपली 1/P इक्विवेलेंट = 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। तो देखिए ये क्या बन रहा है, एक तरह से फॉर्मूला बन गया आपको इक्विवेलेंट पावर निकालने का इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे तीन डिवाइसेस लगे थे तो तीन डिवाइसेस का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल का सम करते हैं। जिस तरह हम पैरेलल के केस में सर्किट के केस में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं, पावर के केस में जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो 1/reciprocal of the equivalent power = sum of the reciprocal of the individual power। अब देखिए यहाँ पे यही तीन डिवाइसेस हमने अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हमने प्रीवियस केस में देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है इक्विवेलेंट पावर, अगर अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस केस में क्या होगा इक्विवेलेंट पावर, हमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे इसका पावर P1 रेजिस्टेंस R1, ये P2 रेजिस्टेंस R2 एंड P3 रेजिस्टेंस R3 है और सभी पैरेलल में है तो सभी का वोल्टेज सेम होगा और कितना होगा, जितना सप्लाई है दैट इज V। तो यहाँ पे वोल्टेज तो सेम है, अब फिर से हम यहाँ लिख सकते हैं R1 will be equal to V2/P1, वैसे हम लिख सकते हैं R2 will be equal to V2/P2 और लिख सकते हैं R3 will be equal to V2/P3।
ठीक है। तो इस तरह से हम R1, R2, R3 की वैल्यू लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपली 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। अब यहाँ पे देखिए R का ये फॉर्मूला है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन वी स्क्वायर, इसके लिए P1 अपॉन वी स्क्वायर, सेकेंड के लिए P2 अपॉन वी स्क्वायर, और थर्ड के लिए P3 अपॉन वी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इसको भी हम इक्विवेलेंट पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वी तो सेम होगा वोल्टेज सभी में। अब देखिए डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर हम कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा, पी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये देखिए, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो जो इफेक्टिव पावर होगा सर्किट का, सिंपली एडिशन ऑफ ऑल दी पावर। तो ये बात ध्यान रखेंगे, पावर के केस में उल्टा हो जाता है, जो सीरीज में होता है उसमें रेसिप्रोकल का एडिशन करते हैं और पैरेलल में सिंपली उनका एडिशन हो जाता है पावर का। तो ये तो हुआ इक्विवेलेंट पावर निकालने का तरीका व्हेन मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज या इन पैरेलल। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें क्या लिखा है, अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क 210 वोल्ट 360 वॉट, व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट डीसी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक हमारे पास इस तरीके का डिवाइस है और इसकी जो मार्किंग है इसका रेटिंग लिखा है 210 वोल्ट और पावर रेटिंग है 630 वॉट। देखिए वॉट मतलब पावर एंड वोल्ट मतलब पता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें पावर दिया है 630 और वोल्टेज दिया है 210 वोल्ट, हमको क्या निकालना है, आई निकालना है। अब पी पावर वोल्टेज और करंट का हमको रिलेशन पता है, क्या होता है इसका रिलेशन, पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई, और आई निकालना है तो ये हो जाएगा पी बाय वी। अब पी की वैल्यू हमको पता है 630, वी है 210, जीरो से जीरो कट गया, ये 7 से कट जाएगा, यह 21 3 जा 63 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। तो देखिए करंट तो आ गया 3 एम्पियर, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, अब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो अब पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के टर्म्स में, ठीक है। तो देखिए पावर के दो फॉर्मूले हैं, आई स्क्वायर आर, एक तो ये यूज कर सकते हैं, और दूसरा होता है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दो फॉर्मूले हमको मिले और दोनों फॉर्मूले में किसी का भी आप यूज करके निकालेंगे सेम आंसर आएगा, तो हम दोनों से निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब पी की वैल्यू कितनी है, पी हमको दिया है 630, आई स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर और इंटू आर, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर, तो आर क्या हो जाएगा, सिंपली 630 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, यहाँ 9 से डिवाइड करना है, ये कट जाएगा, तो 97 जा होता है 63, तो R की वैल्यू हो गई सिंपली 70 ओम। तो देखिए फर्स्ट फार्मूले से हमने निकाला R की वैल्यू 70 ओम आ रही है, सेकंड फार्मूला से बेकार निकालें P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R, P दिया है 630 और वी स्क्वायर मतलब 210 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, अब R को इधर ले जाते हैं हम, तो R will be equal to 210 into 210 divided by 630, इससे करें तो देखिए एक जीरो तो कट गया, अब ये क्या होगा, 21 जा 21 3 जा 63 हो गया, अभी 3 से कट जाएगा, 31 जा 3 37 जा 21 होता है, तो इस केस में भी R की वैल्यू आ रही है 70 ओम। तो किसी भी फॉर्मूले से आप करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा इसमें 70 ओम। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा है, फाइंड द हीट डेसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर इन 10 सेकंड्स। तो यहाँ पे देखिए तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 ओम 2 ओम 3 ओम, तो हर एक रेजिस्टेंस में 10 सेकंड में कितनी हीट डेसिपेट हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि सर्किट में टोटल करंट कितना है, और उसके लिए हम पता करेंगे सबसे पहले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए ये दो तो यहाँ पे आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएं तो इस तरीके से बनेगा, 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये 6 ओम हो जाएगा,
और साथ में यहाँ पे लगा हुआ है 3 ओम, यह है 3 ओम और यहाँ से ये इसका बैटरी लगा है जो है 6 वोल्ट का। ठीक है, अब ये जो है पैरेलल में हो गया 6 और 3 ओम, अब इसका इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 + 1/6, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 + 1, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3/6 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे आप तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। ठीक है, तो देखिए R इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम है, तो इसका एक और सर्किट बना लेते हैं हम, फाइनल सर्किट यहाँ पे, यह 2 ओम का है और यहाँ पे ये लगा हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी। अब इसमें हम ओम्स लॉ लगाएं, ये फाइनल सर्किट में तो हमको करंट मिल जाएगा, टोटल करंट कितना होता है V/R, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना है 6 है और R कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो I कितना आ गया, I आ गया 3 एम्पियर। तो देखिए टोटल जो करंट है इस सर्किट में यहाँ बैटरी से जा रहा है I विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो है 3 एम्पियर करंट यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में, तो हम क्या करेंगे I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब कैसे निकाला जाए, तो देखिए इस ब्रांच को देखिए, ये I2 वाली ब्रांच को, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट ही है, तो I2 वाली ब्रांच में अगर हम लगाएंगे ओम्स लॉ इस ब्रांच में तो क्या होगा, वी विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2, वी कितना है 6 वोल्ट है, I2 निकालना है और R2 कितना हो गया 3 ओम, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा 3, तो I2 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो I2 आ गया 2 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से करंट कितना निकला 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर में से सेकंड ब्रांच में अगर 2 एम्पियर चला गया है तो फर्स्ट ब्रांच में कितना जाएगा, ऑब्वियस है ये 1 एम्पियर होगा, तो सेकंड जो है I1 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप टोटल करंट में से I2 को माइनस कर दें तो ये आ रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए अब आपको करंट मिल गया I1 I2, अब अगर हमें इस ब्रांच में 3 ओम में निकालना है कि कितना इसमें हीट डेसिपेट हो रहा है, तो हीट का क्या फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला है, इसको मैं H1 लिख लेता हूँ, I² RT। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हम सेकंड ब्रांच के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे I2 कर लेते हैं, यहाँ पे R2 कर लेते हैं। ठीक है, तो हीट डेसिपेटेड कितना होगा I² RT, और यहाँ पे I कितना है 2 एम्पियर है, तो 2² R कितना है यहाँ पे 3 है, और टाइम कितना बोला, देखिए 10 सेकंड के लिए पूछा है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12 और इंटू 10 हो गया 120 जूल्स। देखिए हीट एनर्जी है तो ये जूल्स में होगा इसका यूनिट, तो ये हमें आ गया इसके अक्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज 120। अब देखिए 4 ओम के अक्रॉस अगर पता करना है तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, अब H2 लिख लेते हैं, इट इज I² RT। अब देखिए यहाँ पे जो करंट है इसके लिए करंट I1 ही है, तो ये 1² × R यानी 4 इंटू टाइम हो गया 10 एंड विच इज इक्वल टू 40 जूल, तो इसके अक्रॉस 40 जूल एनर्जी डिसिपेट होगी 10 सेकंड में। अब ये वाला 2 ओम का रेजिस्टेंस के लिए लिख लेते हैं H3 इज इक्वल टू I² RT। अब इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा, I1 ही फ्लो होगा, तो यहाँ I की जगह हम लिख लेते हैं 1² R तो उसका हो गया 2 और टाइम हो गया 10, तो 2 10 का कितना होगा 20, तो जो H3 है वो हो गया 20 जूल, तो 10 सेकंड में थर्ड रेजिस्टेंस में से 20 जूल की एनर्जी डिसिपेट होगी, और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए पहले समझ लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ये 3 डिवाइसेस दिए हुए हैं, इनका पावर रेटिंग दिया हुआ है 20 वॉट 220 वोल्ट, 20 वॉट 220 वोल्ट, 20 वॉट 220 वोल्ट, सबका पावर रेटिंग सेम है, साथ ही तीनों का रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम 4 ओम 4 ओम। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा क्या, फाइंड द इफेक्टिव पावर, इफेक्टिव पावर मतलब टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट पावर कितना होगा ये आपको निकालना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ डायग्राम, सर्किट डायग्राम, यहाँ पे ये जो है सेल है, इसका सेल का EMF है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ 2 सेल है, तो यहाँ पे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे E की वैल्यू दी है,
EMF की 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो आपको क्या पता करना, फाइंड दी टोटल करंट इन द सर्किट। तो ये जो टोटल करंट आई है सर्किट में ये कितना होगा, साथ ही साथ इक्विवेलेंट पावर ऑफ द सर्किट, तो पावर टोटल पावर इस सर्किट का कितना होगा ये भी आपको निकालना है। तो ये दो चीज यहाँ निकालनी है। तो आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस का जो हमने पढ़ा था, जो वीडियो देखा था उसमें जो मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको इसका भी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।